वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे इग्नू के सभी बैचलर कोर्सेज के बारे में जो इग्नू आपको जनवरी 2019 के सेशन में प्रोवाइड करा रहा है। सो वन बाय वन मैं उन कोर्स को डिस्कस करूंगा जो इग्नू 2019 में आपको प्रोवाइड करा रहा है जनवरी सेशन में, और ये सभी कोर्स बैचलर कोर्सेज हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं जनवरी 2019 में। सबसे पहला कोर्स है बीए, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट इग्नू में अवेलेबल है काफी टाइम से। इस कोर्स को करने के लिए आपको ओनली 10+2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। अगर आप 10+2 पास आउट हैं, देन आप इस कोर्स को इग्नू से कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है बीसीए, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स मोस्टली काफी स्टूडेंट इग्नू से करते हैं बिकॉज काफी स्टूडेंट रेगुलरली कॉलेज नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से वो अपनी बीसीए को इग्नू से कंप्लीट करते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू अदर कोर्सेज। सो ये कोर्स भी इग्नू में अवेलेबल है। अगर आप बीसीए करना चाहते हैं या आपका कोई फ्रेंड बीसीए करना चाहता है तो आप उसे इग्नू यूनिवर्सिटी को सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है बीकॉम, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि इग्नू का एक और कोर्स है जो कि है बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंट एंड फाइनेंस में, यानी कि ये अलग कोर्स है बीकॉम से। यहाँ पे आपको मेजर डिग्री मिल जाएगी अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। और नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये भी बीकॉम से रिलेटेड ही मिलता है, जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन सीएए। देन इसी तरह के आपको 2 से 3 कोर्स अलग अलग इग्नू में मिल जाएंगे जो बैचलर डिग्री के तहत आते हैं, और ये सभी कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट कोर्स यहाँ पर है बीकॉम एफसीए, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो स्टूडेंट फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में बीकॉम कंप्लीट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट भी इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो काफी पॉपुलर कोर्सेज है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस कोर्स को इग्नू से करते हैं, वो है BLIS का, यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस कोर्स में आपको मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री दोनों ही इग्नू में मिल जाएंगी, और ये कोर्स मोस्टली स्टूडेंट इस कोर्स को इग्नू से करते हैं और ये काफी डिमांड में है, और आजकल इस कोर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। तो ये कोर्स भी इग्नू में अवेलेबल है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनवरी 2019 सेशन में इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपका जनरल डिग्री है, मेजर डिग्री है, यानी आप मेजर डिग्री बॉटनी में, जूलॉजी में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, किसी में भी बीएससी मेजर कर सकते हैं, और ये सभी कोर्सेज इग्नू में अवेलेबल है। सो अगर आप बीएससी करने की सोच रहे हैं किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, सो इग्नू बेस्ट यूनिवर्सिटी है बीएससी करने के लिए। नेक्स्ट कोर्स है बीएसडब्ल्यू, यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये कोर्स भी इग्नू में काफी टाइम से है और काफी स्टूडेंट इस कोर्स में हर साल एडमिशन ले रहे हैं। सो अगर आप भी अपनी ग्रेजुएशन सोशल वर्क में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप बीएसडब्ल्यू कोर्स को कर सकते हैं। एंड लास्ट कोर्स जो बैचलर कोर्सेज में इग्नू ने रखा है वो है बीटीएस, यानी बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडी। ये कोर्स भी काफी डिमांड में है, यानी कि काफी स्टूडेंट इस कोर्स में हर साल एडमिशन ले रहे हैं, और ये इग्नू के 10 बैचलर कोर्सेज हैं जिसमें इग्नू ने एडमिशन ओपन किए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव एडमिशन लेना चाहता है तो आप 31 दिसंबर 2018 से पहले पहले इग्नू की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन अभी ओपन है तो 31 दिसंबर से पहले आप एडमिशन ले सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।